पहले ऊपर की प्लास्टिक को हटाते हैं और खाना जो है उसे टेस्ट करते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स तो लाहौर को होना चाहिए, कराची को तो फजूल में कहा हुआ है आजकल। गुलाब जामुन जो है ये भी लिया है साथ में, और इसके अंदर क्या है इसको अभी हम देख लेते हैं एक नज़र खोलकर। तो स्पेसिफिकली इस 6 डाउन ग्रीन लाइन में आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं? इसमें फूड चेकिंग की है जी। तो चेक करें आप कहाँ तक ट्रेन जो है वो घूमी हुई है इस वक्त। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि आप मेरे आस पास और आगे पीछे देख सकते हैं। और पीछे जो ट्रेन हुई दिखाई दे रही है ये है मारगला और कराची दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। तो सीन ये है कि आज जो है वो हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं इस 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में लाहौर से लेकर कराची तक का। तो बेसिकली मैंने अपना जर्नी जो है मारगला रेलवे स्टेशन से शुरू किया है, लेकिन पार्ट वन में आपने देखा होगा मारगला से लेकर लाहौर तक का सफ़र। तो पार्ट टू हम यहाँ से शुरू करेंगे और क्या क्या सर्विसेज दी जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज क्या क्या होंगी इस ट्रेन में, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही अगर इस ट्रेन के हम लोग रूट की बात करें तो ये पूरा सफ़र जो है लाहौर से लेकर कराची तक का, ये ट्रेन पूरा मेन लाइन वन पर करेगी। तो लाहौर से लेकर खानेवाल तक मेन लाइन वन पर जाएंगे हम, फिर खानेवाल के बाद हम लोग कॉर्ड लाइन पर डाइवर्ट हो जाएंगे और फिर दूसरे तक उस कॉर्ड लाइन पर जाने के बाद हम फिर दोबारा से मेन लाइन वन पर आकर सीधा जाएंगे कराची। इसी के साथ अगर हम इस ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात करें तो लाहौर से चलने के बाद ट्रेन अपना पहला स्टॉप करेगी खानेवाल, उसके बाद भावलपुर, फिर रोड़ी, फिर हैदराबाद और फिर सीधा जाकर रुकेगी कराची में। तो ये कुछ सिनेरियो हैं और ये कुछ स्टॉपेजेस हैं ट्रेन के। तो इस वक्त 8:25 हो रहे हैं और तकरीबन 9:15 तक ट्रेन जो है हमारी यहाँ से डिपार्ट करेगी कराची के लिए। और क्या क्या सर्विसेज दी जाएंगी, चलते ही तो खाना दिया जाता है ट्रेन में, तो खाना कैसा होगा ये सब हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही बाकी इकॉनमी क्लास है कैसी ये भी हम आपको दिखाएंगे। अब देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव आज हमें कॉल करेगा और उसका नंबर क्या है। GU40 होगा बेसिकली, लेकिन अभी ट्रेन रिवर्स हो रही है और मुसाफिर हज़रात जो हैं वो वक्त से पहले जो है वो बैठने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रेन अभी रिवर्स हो रही है, अभी उसके बाद रुकेगी, उसके बाद चलेगी कराची के लिए, लेकिन सबर नाम की जो है वो कोई भी चीज़ नहीं है और मुसाफिर चलती ट्रेन में सवार होने पर तरजीह दे रहे हैं। तो दोस्तों ये GU40 9020 आ रहा है हमारी ट्रेन की लीड पर लगने के लिए। साथ ही एक ब्रेक मैन का कोच जो कि मारगला से ही हमारे साथ आया था। बाकी बीच में जो है काफ़ी सारे कोचेस ऐड किए गए हैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। ये पॉलर का ये जो जनरेटर कार है ये भी लाहौर से लगाया गया है। काफ़ी सारे तकरीबन 9 से 10 के कोचेज़ जो हैं वो लाहौर कोटा के कोचेज़ ऐड कर दिए गए हैं ट्रेन में। तो भाई लाहौर की गर्मा गर्म चाय पीते हैं और साथ ही 9020 जो आज हमारी ट्रेन को लीड करेगा लाहौर से लेकर कराची तक, इसे एक बार देख लेते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ का काफ़ी अच्छा और काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है GU40। तकरीबन 55 के करीब आया था अमेरिका से और अलहमदिल्ला सारे के सारे जो हैं तकरीबन वर्किंग में है और पाकिस्तान रेलवेज़ को सर्व कर रहे हैं और अपनी फुल ताकत के साथ। तो इसे अगर लोकोमोटिव का बादशाह कहा जाएगा तो कम ना होगा, 45,000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव है। तो दोस्तों 9 बजने में जो है वो सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल तैयार है लाहौर से निकलने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से चलने के बाद ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी खानेवाल जंक्शन पर और फिर भावलपुर, जो बिल्कुल लास्ट में है कोच नंबर 18, और हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म से भी पीछे निकल गया हो, तो देखते हैं क्या हालात हैं। तो दोस्तों ट्रेन का रेक जो है वो इतना लंबा हो चुका है लाहौर आकर, देख सकते हैं आप कि हमारा कोच जो है कोच नंबर 18 बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बाहर और फर्स्ट पार्सल विक्सल हो चुका है हमारी ट्रेन का और अब ट्रेन निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये है बेसिकली मेरा कोच नंबर 18 इकॉनमी क्लास, इसका इंटीरियर कुछ इस तरह का है, साफ सुथरा इंटीरियर, ये वॉशरूम्स दो अदर, और इंटीरियर कैसा है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह जो है वो हर बस के साथ मौजूद है, फैमिलीज बैठी हुई है, शायद केबिन वगैरह ना दिखा सकूँ, लेकिन पार्ट वन में मैंने आप लोगों को केबिन दिखाया था तो उसका एक मैं शॉर्ट क्लिप जो है वो इसमें डाल देता हूँ, बल्कि आप देख सकते हैं कि केबिन जो है वो किस तरह के हैं, साफ सुथरे केबिन हैं, सीट बाय सीट फुल हो चुकी है, प्लस बर्थ जितनी भी हैं वो सारी फुल हो चुकी हैं। साथ ही जो है वाटर डिस्पेंसर आपको देखने को मिल जाता है हर कोच में लगा हुआ है, ताकि मुसाफिर वगैरह जो है वो आराम से पानी वगैरह जो है वो पी लें, वरना बाहर से अगर आप एक बड़ी पानी की बॉटल भी लेते हैं वो 130 रुपये की है। तो देख रहे हैं आप मुसाफिरों का काफ़ी खर्चा तो इसी में ही हो जाता है पानी। ट्रेन जो है हमारी डिपार्ट कर रही है लाहौर जंक्शन से पूरे 9 बजे आराम से
और प्लेटफॉर्म जो है वो अभी लाहौर का मेन प्लेटफॉर्म जो है वो भी आएगा थोड़ी देर में, प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये तो शुक्र है कि इस प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइन जो है वो एक्सटेंड की हुई है, तो सारे कोचेज जो हैं वो प्लेटफॉर्म पर ही थे। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर ट्रेन किसी और प्लेटफॉर्म पर लगती तो वो आधे से ज़्यादा ट्रेन बाहर ही होती, और अभी भी हम आगे किसी भी स्टेशन पर रुकेंगे तो तकरीबन हमारा कोच बाहर ही होगा प्लेटफॉर्म से। तो ये काफ़ी खूबसूरत लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, अलविदा लाहौर। तो यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त अहबाब भी खड़े हुए हैं जिनसे आप लोगों को पार्ट 1 में हमने मुलाकात करवाई थी। ओके जी, तो ये मुलाकात करने के लिए आए हुए थे काफ़ी सारे लोग, फहीम भाई, बिलाल भाई जिनमें से आप जानते होंगे, मशहूर यूट्यूबर पाकिस्तान के। एक सडन मीटअप यहाँ पे जो है वो अरेंज हो गया था हम लोगों का। लाहौर जंक्शन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है और अब आगे बढ़ रही है बेसिकली कराची की तरफ। धर्मपुरा लाहौर से गुजर रही है सब ट्रेन। वाओ, सिटी ऑफ लाइट्स तो लाहौर को होना चाहिए, कराची को तो फजूल में कहा हुआ है आजकल। तो लाहौर कैंट से अभी ट्रेन निकली है और साथ ही खाना जो है वो आप देख सकते हैं कि सर्फ पड़ना जो है वो शुरू कर दिया गया है ग्रीन एक्सप्रेस में पीछे के डब्बों से, और भाई जो है वो खाना देते हुए आ रहे हैं। तो खाना लिया है भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इमरान। तो मोहम्मद इमरान भाई के हाथों हम आज अपना रात का खाना खाएंगे, बहुत शुक्रिया सर। चलो अब खाने में क्या है इसे देखते हैं। दोस्तों वैसे तो मेरी ये बर्थ है ऊपर वाली, यहाँ पे पर्दा डला हुआ है, लेकिन ऊपर बर्थ पर बैठे खाना खा नहीं सकते, तो इसलिए मैं नीचे सामने सिंगल सीट पर आ गया हूँ खाना खाने के लिए। पाकिस्तान रेलवेज का लोगो लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी पैकिंग है, और कब तक खाना चल जाएगा वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगर हम खाने को खोलें तो इसमें जो है आपको देखने को मिल रहा है एक अदद रसगुल्ला, साथ ही जो है वो एक नान कटा हुआ, चिकन का सालन है, साथ दाल है और थोड़ी सी बिरयानी है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसके ऊपर से ये शॉपर हटा देता हूँ प्लास्टिक का, और फिर एक एक करके सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो चले ऊपर की प्लास्टिक को हटाते हैं और खाना जो है उसे टेस्ट करते हैं। प्लास्टिक जो है ये भी काफ़ी हार्ड छड़ी हुई है, पहले ऐसे नहीं होती थी, काफ़ी मुश्किल हो रही है उतारना। तो फाइनली जैसे तैसे मैंने ये प्लास्टिक जो है उसे उतार लिया है और अब मैं खाना शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहले ट्राई करेंगे ये चिकन का सालन, वो भी रखते हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास इतनी। नान थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन जो चिकन का सालन और दाल है ये काफ़ी गर्म है। तो खाने की बहुत पता है, और पहला निभाना जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का ये किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में, उससे ट्राई करते हैं। Thank you.
अंदर सागर का टेस्ट काफ़ी अच्छा है और थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा सा लग रहा है कि कढ़ाई है, कोसा है, लेकिन ये बेसिकली चिकन का सागर जो नॉर्मल हमारे घरों में बनता है, टेस्ट लेकिन काफ़ी अच्छा है इसका। तो साथ ही बता दूं कि खाना जो है वो रॉयल्स इस होटल से आता है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में, जैसे कि आप देख सकते हैं उनका मोनोग्राम लगा हुआ है, साथ ही पाकिस्तान के बड़े स्टेशन की तस्वीरें, कराची कैंट, लाहौर, रावलपिंडी और माजला रेलवे स्टेशन, ये भी यहाँ पे मौजूद है। तो भाई खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए इस वाले स्कीम को रॉयल्स ने सही फॉलो किया है और इसके चलते गुलाब जामुन जो है ये भी दिया है साथ में, तो इस गुलाब जामुन को भी खा लेते हैं। काफ़ी अच्छा और रस भरा गुलाब जामुन है, रस मेरी पैंट पर भी टपक गया। खाने के बाद आपके हाथ चिकने ना हो इसलिए रॉयल स्विस्ट ने जो है वो एक अदर टिश्यू भी दिया अपने मुसाफिरों को, जिससे हम हाथ वगैरह साफ़ कर लें, और अगर दांतों में गोटी फंस जाए तो उसके लिए एक अदर टूथपिक भी मौजूद थी जो कि अभी अभी हवा से उड़ गई, जिस तरह हवा से ये उड़ रहा है। तो ये कुछ था खाने में सिक्स ऑन क्लियर एक्सप्रेस में जो आपने देखा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री किया जाता है जिसके पैसे आपसे टिकट नहीं ले लिए जाते। वही इस चीज़ पर तो मेरी अभी नज़र पड़ी है, जिस सीट पर मैं बैठा हुआ था इसके हालात कुछ इस तरह के हैं, आप देख सकते हैं कि सीट का कपड़ा जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है और ऊपर जो है वो टाँके वाँके लगाए गए हैं जिसके ज़रिए इसको मज़ीद फटने से रोका गया है। साथ ही अगर मैं इस सीट को देखूं तो इसके भी ऐसे ही कुछ हालात होने वाले हैं। तो ग्रीन लाइन के रेक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगे हैं क्योंकि 1.5 साल जो है वो हो चुका है ट्रेन को आए हुए, और अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है। ड्राइवर जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्टेशन बिल्डिंग हमारी जो है वो राइट साइड पर होगी, उसे दिखाते हैं आपको। रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टेशन बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन में जंक्शन जाने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो रायवन लोधरा ब्रांच लाइन निकलती है जो कि कसूर पाकपतन से होती हुई सीधा जाती है लोधरा जंक्शन पर, और इस रूट पर से एक ही ट्रेन चल रही है पाकिस्तान रेलवे की जो है 37 और 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। इसके अलावा इस रूट पर और भी ट्रेनें चलानी चाहिए पाकिस्तान रेलवेज़ को, क्योंकि काफ़ी रश होता है इस रूट पर, काफ़ी मुसाफिर हजरात हैं जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी खफा भी नज़र आते हैं कि उनके रूट पर जो है वो कोई भी ट्रेन नहीं चलाई जा रही। ये कुछ स्पीड है हमारी ट्रेन की रायवन से निकलने के बाद, काफ़ी अच्छा हॉल कर रहा है GU 49020 आज ट्रेन को। खानवाल तक तो ट्रैक ऐसा ही है, तो 112 तक आ गई है ट्रेन हमारी और ये हम स्किप करने जा रहे हैं प्रेम नगर एयरपोर्ट को। बहुत स्मूथली ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया है, के
साथ एक कंटेनर ट्रेन बिल्कुल तैयार खड़ी है, ग्रीन लाइन के जाने के बाद उसे निकाल दिया जाएगा। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन निकली है छांगा मांगा से और पतोगी पर जो है वो 49 एक्सप्रेस को रोक लिया गया है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दोनों ट्रेन का कंपैरिजन आप लोग कैसे निकालते हैं, तो सीन ये है कि जब आप फाइट रेल लाइव एप्लीकेशन पर आएंगे तो ऊपर ही आ रहा होगा ऑल लाइव ट्रेन्स, इस पर क्लिक करेंगे, ऑल अप ट्रेन देखनी है या ऑल डाउन ट्रेन देखनी है। हमें अब ऑल डाउन ट्रेन देखनी है तो मैं नीचे क्लिक कर दूंगा ऑल डाउन ट्रेन, फिर जितने भी पूरे पाकिस्तान में ट्रेनें चल रही हैं सारी आ जाएंगी और फिर आप जिस इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं, जिस तरफ आपकी ट्रेन घूम रही है, आप यहाँ से उस तरफ जूम करें उस तरफ मैप में और आप देख लें कि आपके आगे पीछे कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं या कौन सी ट्रेनें आपकी ट्रेन क्रॉस करने वाली हैं। तो ये मैंने जूम करके पहुँच चुका हूँ मैं अपनी अवाम एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन की रेस में, ग्रीन लाइन ये रही, अवाम एक्सप्रेस पतोगी पर खड़ी हुई है। आम एक्सप्रेस ओवरटेक होने जा रही है पतोगी रेलवे स्टेशन पर। तो ये ZCU को ओवरटेक कर दिया GU40 ने और ये फायदा होता है आपके टॉप प्रायोरिटी ट्रेन में ट्रैवल करने का। दोनों ट्रेनों की मंजिल जो है वो तो कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन जो है स्किप करने जा रही है उकाड़ा शहर को और रेलवे स्टेशन जो है बस कुछ ही देर में आने वाला है। स्पीड आपके सामने 102-103। और 102 की स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है उकाड़ा को। अब देखते हैं साहिवाल कितने स्पीड में पास होता है। जो बड़े स्टेशन तो बस यही रह गए उकाड़ा, साहिवाल, फिर उसके बाद मियाँ चुन्नू और चीचावतनी। पहले चीचावतनी फिर मियाँ चुन्नू। तो दोस्तों 10:55 पर ट्रेन हमारे स्किप करने जा रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन को। खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग साहिवाल रेलवे स्टेशन की, और गाउन में भी कोई भी ट्रेन नहीं है जिस तरह काफ़ी सन्नाटा दिखने को मिला आपको। साथ ही स्पीड जो है ट्रेन की कुछ 95-94। इस तरह की स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है साहिवाल रेलवे स्टेशन को। नेशनल हाईवे जो है ये हमारे बराबर में आ चुका है बिल्कुल, और ट्रेन हमारी बेहतरीन स्पीड में रोड ट्रैफिक को पीछे पीछे करते हुए आगे बढ़ रही है। सारी गाड़ियाँ, सारे ट्रक सब पीछे जाए जा रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि स्पीड ही ट्रेन की कुछ इस तरह की है। आपने अनाउंसमेंट सुनी जो कि हुई है अभी 6 डाउन ग्रैंड एक्सप्रेस में कि खाने वाल जो है वो आने वाला है, तो अगर कोई मुसाफिर हजरात सो भी रहे हैं तो इन खातून की आवाज़ से ज़रूर उठ जाएं और अपने स्टेशन पर उतर जाएं। लेकिन खातून की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी मेरे हिसाब से कि बच्चा जो है आप देख सकते हैं ये टच से मस भी नहीं हुआ है। खैर इस बच्चे के पास बर्थ है, ऐसे इंजॉय करने आया था और बैठे बैठे जो है सो गया है। तो दोस्तों 12:09 पर सिर्फ 9 मिनट लेट हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। एक दरवाज़ा हमारा प्लेटफॉर्म पर है जबकि दूसरा दरवाज़ा जो है वो प्लेटफॉर्म से बाहर है। खैर ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आ चुकी है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और खानेवाल पर जो है वो हमारी 6 डाउन गियान एक्सप्रेस का तकरीबन 25 मिनट का स्टॉप होगा। उसकी वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो भाई लोग जो हैं वो चढ़े हुए हैं। ट्रेन की यहाँ पर चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद पानी वगैरह जो है वो कोचेस में देखा जाएगा, कहीं जिस कोच में पानी की कमी होगी वहाँ पर पानी भर दिया जाएगा। और इसके अलावा बोगी, जो व्हील के बोगी होते हैं, बोगी आने के पहिए, उनकी इंस्पेक्शन होगी कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, कोई ज़्यादा हीटअप तो नहीं हो गया। फिर इसी के साथ ही ड्राइवर हजरात जो हैं
ग्रीन लाइन के वो खानेवाल पर चेंज होंगे, और फिर खानेवाल के बाद जो लाहौर से चढ़े हैं वो खानेवाल पर चेंज होंगे, और खानेवाल के से जो चढ़ेंगे ड्राइवर्स वो तमाम जो है फिर रोड़ी पर जाकर चेंज होंगे, और फिर रोड़ी वाले ट्रेन को कराची तक लेकर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन होता है ट्रेन ड्राइवर्स का ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। बाकी इसके अगर रूट की बात करें तो हम यहाँ से मुल्तान नहीं जाएंगे, बल्कि अब हम यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे खानेवाल लोधरा कॉर्ड लाइन पर, जो कि झानिया दुनियापुर के रास्ते से जाएगी। तो ये कुछ डिटेल्स थी। प्लेटफॉर्म जो है वो हम चलते हुए मैं नहीं दिखा सकता इतना लंबा, बाकी ये प्लेटफॉर्म डिपार्चर के वक्त देख लेंगे। भाई यहाँ पर एक बात क्लियर करता जाऊँ कि जो मैंने खाना खाया है अभी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में, ये एसी के कोचेस वाला था, यानी कि एसी के कोचेस में एसी स्टैंडर्ड पार्लर कार और बिजनेस क्लास में जो दिया जाता है ये खाना वो था, जबकि इकोनॉमी क्लास के मुसाफिर जो खाना दिया जाता है वो भी सेम होता है, सिर्फ उसमें बिरयानी ऐड नहीं होती। तो दोस्तों प्यास लग रही है, पानी जो है वो ले लेते हैं क्योंकि आगे जो है वो मिलेगा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ट्रेन के अंदर जो है वो डिस्पेंसर लगे हुए हैं तो मैं पानी क्यों ले रहा हूँ, तो सीन ये है कि मेरे पास जो है वो बॉटल नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल मैंने रखी थी कि मैं इसमें पानी भरूंगा, लेकिन वो किसी भाई साहब ने डस्टबिन में फेंक दी। तो अब मुझे पानी भरने के लिए भी बॉटल चाहिए, और उस बॉटल के लिए मुझे बॉटल पहले खरीदनी पड़ेगी। तो चले पहले बॉटल ले लेते हैं। काफ़ी सारे बॉटल जो है वो रखी हुई है पानी की, और काफ़ी कलरफुल स्टॉल लग रहा है भाई का। चिप्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमें जो है वो अभी नींद आ रही है 130, तो पहले सोएंगे और फिर सुबह उठ के देखेंगे कि क्या क्या हम खा पी सकते हैं। नाश्ता वगैरह जो है वो ट्रेन में मिलेगा हमें, और इसके अलावा स्नैक्स वगैरह जो है वो ट्रेन में भी अवेलेबल है, तो स्नैक्स सुबह उठ के देखेंगे। फिलहाल जो है पानी की बॉटल लेते हैं और उसे ही रिफिल करते रहेंगे और पीते रहेंगे, क्योंकि डिस्पेंसर जो है वो। तो जितनी बार भी मैं स्टेशन से पानी ख़रीदता हूँ तो मुझे जो है वो करीना कपूर की फिल्म जब वे मिट का वो सीन ज़रूर याद आता है कि पानी का काम तो पानी करता है, भले आप कुछ भी पीते रहो। सांस बंद हो गई भाई, गॉड छोला छोला सब अपनी जगह पर है, पर पानी का काम पानी ही करता है। तो एक बार 130 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है पानी की बॉटल लेकर, अब कराची तक जो है वो इसको रिफिल करते रहेंगे ट्रेन से। फिलहाल अपने कोच में चलते हैं क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है नहीं, और अंधेरा जो है वो भी काफ़ी हो रहा है। अच्छे से ट्रेन आ रही है जो कि फैसलाबाद साइड से आ रही है, दिखाई दे रही होगी हमारी ट्रेन लाहौर साहिबार की साइड से आई है, जबकि ये वाली ट्रेन फैसलाबाद से आ रही है। तो दोस्तों ये फैसलाबाद से आने वाली जो ट्रेन थी ये कोई और ट्रेन नहीं, बल्कि पेशावर और कराची दरमियान चलने वाली 48 डाउन हेमान बाबा एक्सप्रेस है, जो कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले निकली थी, और अब ये हमारे बाहर पहुँच रही है खानेवाल रेलवे स्टेशन पर। तो देख रहे हैं आपके मेन लाइन से आने का फ़ायदा और ब्रांच लाइन से आने का नुकसान। ये मजीद रहमान बाबा मुल्तान से होते हुए लोधरा पहुँचेगी, जबकि हमारी ट्रेन शॉर्टकट यानी कॉर्ड लाइन से होते हुए लोधरा पहुँचेगी। तो हमारी ट्रेन ने जो है वो मूव होना शुरू कर दिया है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म को एक नज़र देख लेते हैं, सन्नाटा हुआ हुआ है वैसे यहाँ पर, तो क्योंकि ट्रेन जो है हमारी वो निकल रही है। साफ सुथरा खानेवाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, तो ये रहे कलरफुल स्टॉल्स जिनके मैं आपसे बात कर रहा था कि आगे की तरफ हैं, और वो ये रहे सारे अभी भी जो है मैं ओपन है, 24/7 ये ओपन ही रहते हैं। तो चलें अब हमारी ट्रेन जो है आगे जाके कॉर्ड लाइन पर डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि दुनियापुर झानिया के रास्ते सीधा लोधरा, और ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा भावलपुर होगा। लेकिन अब हमें आ रही है नींद, तो हम जो अपनी नींद को पूरी करते हैं, और रात भी ज़्यादा हो गई है, तो अच्छे बच्चे जो हैं वो रात तक ज़्यादा जागते नहीं हैं। तो दोस्तों तकरीबन 12:50 हो रहे हैं और मैं अपनी टॉप बर्थ पर आ गया हूँ, बर्थ नंबर 36 भी, और अब वक्त है सोने का क्योंकि सब जो हैं वो सो रहे हैं। चलें अब आपसे सुबह मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों 7:01 पर मेरी आँख खुली है, और हमारी ट्रेन जो है वो इस वक्त रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे रोड़ी जंक्शन कहाँ है, यहाँ तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो ट्रेन का रेट जो है वो कुछ इतना लंबा है कि आखिर के 3 से 4 कोचेज जो है वो पाए नहीं है प्लेटफॉर्म के, और अब डिपार्चर के वक्त हम लोग प्लेटफॉर्म पर लगेंगे। वो देखिए प्लेटफॉर्म जो है वो वहाँ से शुरू हो रहा है, और लोकोमोटिव हमारा घूम कर फिर दोबारा आ गया है इस वाली लाइन पर।
खैर इसके अलावा ट्रेन हमारी तकरीबन ऑन टाइम ही है और नाश्ता वगैरह जो है वो सर्व कर दिया गया है। मेरा नाश्ता जो है वो रिसीव कर लिया था नीचे लोगों ने, तो अभी आपको चल के नाश्ता भी दिखाते हैं। और नाश्ता जो है ग्रीन एक्सप्रेस में वो ठीक 6:30 बजे सर्व कर दिया जाता है और आज भी ऑन टाइम ठीक 6:30 बजे रूड़ी आने से पहले नाश्ता सर्व कर दिया गया था और तमाम मुसाफिर जो है नाश्ता कर रहे हैं। और ये रूड़ी जंक्शन से निकल रही है ट्रेन हमारी। इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से मेन लाइन 3 अलग होती है, यानी कि सखर जैकबाबाद सिब्बी कोयटा और फिर मजीद आगे चमन यानी अफगानिस्तान बॉर्डर तक जो लाइन जाती है मेन लाइन 3 वो यहीं से अलग होती है। तो ये CRRC के कोचेस का ट्रैक साउंड आपने सुना, साथ ही सामने खड़ी हुई है 214 डाउन मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन जो कि मेन लाइन 2 से होती हुई कोठी जंक्शन पर पहुंचेगी। और ये भी अपने रूट पर चलने वाली रेगुलर की पैसेंजर ट्रेन है, बाकी बुलान मेल जो है वो हर एक दिन 2 दिन बाद छोड़ के चलाई जाती है जबकि मोहनजोदड़ो जो है ये रेगुलर चलती है। तो एक KCR का लोकोमोटिव 4819 GME50 और KCR का कोच, ये दोनों हैं तो कराची के लेकिन खड़े हुए इस वक्त रोड़ी जंक्शन पर हैं। तो ये GME15 4807 के साथ बिल्कुल तैयार है मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन, जल्द ही इस ट्रेन पर सफ़र करेंगे। और हमारी ट्रेन ने रोड़ी जंक्शन को अलविदा कह दिया है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा भारी भरकम अयूब ब्रिज प्लस लैंसडाउन ब्रिज जो कि सखर की पहचान है और सखर और रोड़ी को आपस में बाहें मिलाता है। तो रोड़ी जंक्शन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है, साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री गेट आप देख रहे होंगे और ये कॉम्प्लीमेंट्री गेट जो है ये इकॉनमी क्लास के पैसेंजर को नहीं दी जाती बल्कि ये सिर्फ AC के कोचेस के लिए होती है। और इसके अंदर क्या है इसको अभी हम देख लेते हैं एक नज़र खोलकर। पाकिस्तान रेलवे का लोगो बना हुआ है, साथ ही एक अदद स्टीम इंजन भी बना हुआ है, साथ ही लिखा हुआ है यू डिज़र्व इट। लेकिन इकॉनमी क्लास के मुसाफिर नहीं, सिर्फ AC के मुसाफिर जो हैं। पीछे रॉयल स्विस अपनी ब्रांडिंग में की हुई है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद है इस वक्त, एक एक करके निकालते हैं। तो ये आ गया सबसे पहले 1 अदद ब्रश जो कि अभी हम करते हैं नाश्ता करने से पहले। तो ये क्वालिटी जो है ब्रश की चेंज कर दी गई है और अच्छी कर दी गई है, 1 अदद ब्रश और साथ ही एक कोलगेट का टूथपेस्ट। इसके अलावा इस पर भी ट्रेन बनी हुई है और इसके अंदर मौजूद है 1 अदद कंघा, ये रहा अपने बाल गल बनाने के लिए ताकि आप लोग जो है वो पूरे सफ़र में हीरो लगते रहें। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, यह है शेविंग किट ताकि अगर आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना है, किसी फंक्शन को अटेंड करना है तो आप ट्रेन से ही सीधा तैयार होकर जा सकते हैं। और ये रहा रेजर, तो 3 चीज़ें हैं जो कि निकली हैं डेंटल किट के अंदर से। और ये आपका शेविंग जेल भी आ गया। तो ये कुछ सामान है जो कि निकला है डेंटल किट के अंदर से। चलने अब इसे दोबारा से पैक कर देते हैं और अब ब्रश करने चलते हैं। अच्छा सामान है, क्वालिटी जो है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव की गई है। तो जहाँ पंजाब में ट्रेनें भागती हैं वहीं सिंध में आते ही ट्रेनें जो हैं वो स्लो हो जाती हैं और एकदम कछुए की चाल चलने लगती हैं बहुत सी जगहों पर। और उसकी वजह ये है कि सिंध में काफ़ी ज़्यादा कॉशन लगे हुए हैं। बेगमा जी से निकल रही है ट्रेन, स्पीड ट्रेन की
45-46, जबकि रात में ट्रेन 102-103 से कम ही नहीं आ रही थी। तो बागे जो है वो ट्रैक बेहतर है, स्पेशली रोड़ी से जो बेगमा जी तक का ट्रैक है, ये काफ़ी नाजुक हालात हैं इस ट्रैक के, जिस वजह ट्रेनें काफ़ी स्लो चलती हैं। और अब जो है ट्रैक्स वगैरह अपग्रेड किए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा ट्रेनें की रफ्तार जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हालात जो है बेहतर हो रहे हैं, अब देखें बेगमा जी से निकलते ही ट्रेन ने जो है वो स्पीड पकड़ ली है और अब तकरीबन 80 की स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है। नाश्ते की बात करें किराना एक्सप्रेस में दिए जाने वाले, तो 6 जोन में जो है वो सिर्फ अंडा और पराठा दिया जाता है, जबकि 5 अप जो चलती है उसमें 2 स्लाइस और 1 जैम, 1 ब्लू बैंड और साथ ही और 1 अंडा, उसके मेन्यू में कुछ ये होता है। जबकि 6 जोन में जो है सिर्फ एक अंडा नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा और पराठा और साथ में 1 अदद चाय। तो ये है पराठा और इसके नीचे दबा हुआ है हमारा अंडा। अच्छा तो ये कुछ है भाई ग्रीन लाइन के नाश्ते में, चाय का भाई को बोलते हैं क्योंकि चाय जो है वो देखकर नहीं गए थे मेरी, क्योंकि मैं सो रहा था उस वक्त। तो चाय जो है अभी भाई आते हैं तो दोबारा मंगवाते हैं और अपनी मील जो है उसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डिसेंडिंग ट्रैक पर काम हुआ है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ट्रेन हमारी 13-14 की स्पीड से काफ़ी देर से चल रही है। साइड में स्लीपर्स वगैरह भी पड़े हुए हैं नए और ये चाय भी आ गई हमारी। तो ये वो चाय है जो मैंने सुबह नहीं ली थी, तो मैं उस वक्त सो रहा था तो मैंने बोल दिया था कि मैं थोड़ी देर में पीता हूँ, तो भाई अभी लेकर आए हैं गर्मा गर्म चाय। खैर बाकी हम ट्रैक की बात कर रहे थे, तो ट्रेन जो है हमारी 14-15 की स्पीड में चल रही है इस वक्त। और ट्रैक पर जो है वो सिंध में काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, जिसके चलते उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ से भी ट्रेन 100 की स्पीड में दौड़ा करेंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं और इतनी स्लो स्पीड में यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में यहाँ से भी ट्रेन गोली की रफ्तार से गुजरा करेगी। तो ये 145 चक्कर एक्सप्रेस खड़ी हुई है रानीपुर रेलवे स्टेशन पर, जो लाइन आपको निकलते हुए दिखाई दे रही है ये यहाँ से निकलते थे सीधा टंडोदम के लिए, और ये कहलाते थे मेहरापुर टंडोदम ब्रांच लाइन, जिस वजह से मेहरापुर भी किसी ज़माने में एक जंक्शन रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब मजीद जो है ये लाइन नहीं रही, ख़त्म हो चुकी है, और मेहरापुर भी अब मजीद जंक्शन नहीं रहा है। तो दोस्तों सफाई जो है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में वो हर थोड़ी देर बाद हो रही है, और अभी भी आप देखें भाई जो है फैनल डाल के गए हैं, उससे पहले झाड़ू आके गए थे, और अब फिनाइल डाल के पूरी ट्रेन को जो है वो साफ़ कर दिया जाएगा पोछे के ज़रिए, और जिस वजह से ट्रेन में जो है वो काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, साथ ही सफ़र साफ़ सुथरी ट्रेन जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ रीज़न है जिस तरह से लोग जो है ग्रीन लाइन में सफ़र करना प्रेफर करते हैं, वॉशरूम भी जो है वो साफ़ सुथरे हैं, और साथ ही फर्श जो है ये भी आपके सामने चमक रहा है। तो दोस्तों 9:08 पर ट्रेन हमारी परिजन जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है,
ये भी किसी ज़माने में एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। और यहाँ से ट्रैक जो है वो नशर व फरोज के लिए जाया करता था, लेकिन अब वो ट्रैक बंद हो चुका है और अब ये स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन बन के रह चुका है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पानी भरने की सहूलत जो है वो भी मौजूद थी इस ज़माने में। यहाँ से ट्रेनों में पानी भी भरा जाता था। ट्रेन हमारे जो है वो सिंध की पटरियों पर हल्के हल्के दौड़ा जा रही है और जितने भी लोग थे वो एक बार उठने के बाद दोबारा नाश्ता कर करके सो चुके हैं। तभी आपको सुनाई दे रहा होगा ट्रेन में कितना सन्नाटा है और कोई बच्चा वगैरह जो है वो भी नहीं रो रहा। तो दोस्तों 10:26 पर और तकरीबन 52 मिनट लेट हमारी ट्रेन जो है वो स्किप करने जा रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन को। सिंध का दिल भी कहा जाता है इस शहर को और काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी अच्छा शहर है सिंध का ये। तो दोस्तों आज की 6 डाउन डीलाइन एक्सप्रेस में हमारे साथ VI साहब मौजूद हैं। VI क्या होता है, काम कैसे करते हैं, चले हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है सर। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। मोहम्मद हमजा। सर VI हमने काफ़ी सुना है कि VI ना काफ़ी लोगों के मुंह से भी सुना है, काफ़ी आपके स्टाफ के मुंह से भी सुना है। तो VI बेसिकली क्या होता है हमजा भाई, और ड्यूटीज़ क्या होती हैं VI की? ये विजिलेंस इंस्पेक्टर होता है जो कि अपनी ड्यूटी ग्रीन लाइन या किसी भी गाड़ी में जहाँ पे भेजा जाता है तो वहाँ पे सुना। तो स्पेसिफिकली इस 6 डाउन ग्रीन लाइन में आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं? इसमें फूड चेकिंग की है जी, क्लीनिंग की है और स्टाफ की। अच्छा। स्टाफ को चेकिंग के लिए लिहाज के मतलब 3 डोमेन एक तरह से आपके अंडर जिनको आप मॉनिटर कर रहे हैं जी। और कहाँ से कहाँ तक मॉनिटर करेंगे? लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लाहौर तक। अच्छा अच्छा। और रेस्ट फिर आप कहाँ करेंगे? रेस्ट जो है वो हमारा लाहौर में ही होता है। अच्छा अच्छा। मतलब आप अभी दोपहर में पहुँचेंगे फिर रात में आप दोबारा ग्रीन लाइन लेके लाहौर जाएंगे? अच्छा अच्छा सही। मतलब काफ़ी लंबा ट्रैवल रहता है आपका ट्रेन में। तो ट्रेन हमारी 11:50 पर स्किप करने जा रही है टंडो आदम रेलवे स्टेशन को और ट्रेन इस वक्त हमारी तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लेट हो चुकी है। ये ओल्ड मीटर गेज का एक लोकोमोटिव और साथ में एक डब्बा खड़ा हुआ है। जी दोस्तों ट्रेन हमारी जो है वो तकरीबन 1:15 तक पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और हैदराबाद पर तकरीबन से 5 मिनट का स्टॉप होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पर लगाया गया हमारी ट्रेन को। और इसके अलावा अगर हम इस ट्रेन के किराए की बात करें इस्लामाबाद से लेकर कराची तक की, तो मुझे टिकट पड़ा है इकॉनमी क्लास का 5,200 रुपये का। इसके अलावा तकरीबन 50-60 रुपये जो है वो इजी पैसा के चार्जेस भी थे वो लगे हैं। बाकी इसके अलावा जो ऑफिशियल किराया है वो 5,200 रुपये है बर्थ के साथ और 5,100 रुपये है सीट के साथ इकॉनमी क्लास का। इसके अलावा इस ट्रेन में AC स्टैंडर्ड, AC पार्लर और AC बिजनेस क्लास एसीज लगाए जाते हैं जिनका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी के साथ अगर हम लोग अपनी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन जो है हमारी ये तकरीबन 1 घंटे तक लेट हो चुकी है। तो दोस्तों 12:50 हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब उम्मीद है कि 3:30 से पहले पहले हम लोग पहुँच जाएंगे डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, यानी कि कराची, जो कि आज की हमारी मंजिल होगी। दोस्तों कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटी ब्रिज पर और हैदराबाद और कोटी के दरमियान मेन अट्रैक्शन यही है।
से निकलने के बाद काफ़ी शार्प कब ले रही है ट्रेन इस वक्त। और लोकोमोटिव तो इतना गुलाई में आ चुका है कि दिख ही नहीं रहा, तो चेक करें आप कहाँ तक ट्रेन जो है वो घूमी हुई है इस वक्त। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कोठी जंक्शन को। हमेशा की तरह काफ़ी सारी ट्रैक्स मशीन यहाँ पर मौजूद है और ये समन सरकार प्लस मारवी पैसेंजर का रेक यहाँ पर मौजूद है जो कि अभी आया है खोखरो पार से और अब ये यहाँ से वॉश वगैरह होने के बाद दोबारा निकल जाएगी खोखरो पार के लिए। लोकोमोटिव भी लगा हुआ है ट्रेन का भी जो कि है GM154817। दोस्तों 2:30 बजे हमारी ट्रेन शिफ्ट कर रही है धाबे से रेलवे स्टेशन को और इस वक्त तक ट्रेन हमारे तकरीबन 50 मिनट लेट हो चुकी है। वैसे हमारी ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट भी करीब लेट थी लेकिन आधा घंटे ट्रेन ने कवर कर लिया काफ़ी अच्छा। ऑल गया GU14 है फाइनली हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लोकोमोटिव जो है वो तो अब तक प्लेटफॉर्म पर लग चुका होगा। तो दोस्तों फाइनली 3:35 में हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त तक ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 1 घंटा 16 मिनट लेट हो चुकी है। सफर आपने देखा कितना अच्छा गुजरा, साथ ही देख सकते हैं आपके आखिरी कोचेज जो है प्लेटफॉर्म से बिल्कुल बाहर हैं जिस वजह से फैमिली जो है वो मजबूर हैं बगैर प्लेटफॉर्म के उतरने के। तो प्लेटफॉर्म्स को जो है वो थोड़ा बहुत लंबा करना चाहिए ताकि फैमिलीज वगैरह जो है वो आराम से उतर जाएं। देख सकते हैं आपके ट्रेन जो है वो आखिर के 2 कोचेज जो हैं वो पूरे प्लेटफॉर्म से बाहर हैं और ऐसा रोज़ ही होता है कि रोज़ ही ट्रेन के तकरीबन 3 से 4 कोचेज जो हैं वो बाहर खड़े होते हैं। तो इस पर पाकिस्तान रेलवे से तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, उनको उतरने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ग्रीन लाइन के एक्सप्रेस का ये जर्नी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। सफ़र बहुत अच्छा रहा, सफ़र बहुत मज़ेदार रहा हमारे घर से लेकर कराची तक। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है हमें छोड़कर, हमें यहाँ उतार कर जा रही है अपने लास्ट स्टॉप यानी कराची कैंट के लिए। तो जो सफ़र हमने कल 3 बजे शुरू किया था वो ठीक 24 घंटे 35 मिनट गुजरने के बाद डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर ख़त्म हो चुका है। ये रहा मेरा कोच नंबर 18। और ये चली गई है मेरी ट्रेन
कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर।